ये रही आपकी कॉफी जो मैंने बहुत दिल से बनाई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। गर्म है यहाँ। थैंक यू। मुराद, मैं जानती हूँ आपको साथ की बातों ने हर्ट किया है, उसके लफ्जों ने आपको तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन आपने रिएक्ट नहीं किया। लेकिन इस तरह से सोचकर खुद को परेशान करने का क्या फायदा? आप सिर्फ खुद को तकलीफ दे रहे हैं। आप ये बात जानते हैं ना, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपके साथ हूं। तो आप मेरा सोचिए, हमारा सोचिए, निहान का सोचिए। मैं तो आपको कहीं छोड़कर नहीं जा रही। मैं आपसे यही कहूंगी कि जो हो रहा है प्लीज होने दीजिए। खुद को इस मामले से दूर रखें। मैं आपको इस तरह से परेशान नहीं देख सकती। तुम जानती हो, साद और रेहान मेरे लिए बिल्कुल एक जैसे। फर्ज करो जब कल को रेहान बड़ा होगा, कोई गलत फैसला करेगा, तो क्या तुम उसे नहीं रोकोगे? रोकोगी? वैसे ही जब साथ जिंदगी में एक ऐसा फैसला रह रहा है जिसके बाद वो बहुत तेजी से तबाही की तरफ जा रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं जानता हूं मैं जो मर्जी कर लूं, साथ अपना फैसला नहीं बदलेगा। दुख इस बात का है कि इस फैसले के नतीजे में उसे बहुत दर्द मिलेगा। तो और कुछ नहीं, कम से कम अफसोस तो कर सकती हूं।